बात है शुभ, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत है। और इस वक्त हम बड़ी नहर में मौजूद हैं। यहाँ पर एक कावड़ शिविर लगा हुआ है, कुछ भोले भी यहाँ पर बैठे हैं। उनसे भी बातचीत करते हैं कि इस शिविर में किस प्रकार की उन्हें सुविधा मिल रही है और कैसा अनुभव रहा, क्योंकि जब हरिद्वार से वो जल भर कर लाते हैं, रास्ते में बहुत से शिविर में वो गुजरते हैं और ठहरते भी हैं और आराम भी करते हैं, लेकिन यहाँ का शिविर कैसा है वो भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अमन। अमन अमन नाम है। कहाँ से आए हैं अमन? जाफर बजाफरी दे। अच्छा, तो कौन से दिन पे निकले थे? हाँ जी, कब निकले थे आप वहाँ से? 1 तारीख को निकले थे। 1 तारीख को? हाँ। पैदल यात्रा कर रहे? पैदल यात्रा कर रहे। यहाँ शिविर की व्यवस्था कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। क्या क्या मिला? बहुत अच्छा मिला अमन को। खाने में क्या खाया आपने? भोजन क्या किया? रोटी खाई। रोटी मिली है? हाँ जी। तो व्यवस्थाओं से खुश है? खुश पूरे। सरकार से कोई सुविधा मिली रास्ते में? सारी सुविधा मिली, सब सबको ठंडा पड़ना चाहिए। यहाँ पर एक और भोले हैं, उनसे बात करेंगे। नाम क्या भोले थे आपका? मेरा विक्रम सैनी है जी। विक्रम सैनी, कहाँ से आए हैं? मैं अम्बाला जिले से रहने वाला जी। अम्बाला जिले के रहने वाले, कब निकले थे अम्बाला से? मैंने 19 तारीख को निकला था जी। 19 तारीख को निकले थे? हाँ जी। कितने दिन हो गए फिर आज? मैंने मैडम जी 20 तारीख को 6 बजे शाम का जल उठाया था कि बहुत ही अच्छा रहा सफर। रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी मैडम जी, कोई भी नहीं। मैं अभी धीरे से बताऊँ जी, बात योगी की बहुत अच्छी वो लगे जी मुझे कि बहुत ही अच्छी होती है, स्वस्थ हमारे बहुत अच्छी थी, रे जगह एम्बुलेंस बहुत ही कुछ था कहने का। हाँ जी, बहुत ही अच्छी मैडम जी। तो आपने कौन सी कांवड़ यात्रा की है? मैंने मैंने पैदल यात्रा। पैदल यात्रा, इसके अलावा भी कोई कांवड़ यात्रा होती है? मैडम जी मुझे 13 साल हो गए जाते हुए जी। मैं 13 जल की कांवड़ लेके आता हूँ जी, साल बाद 2 कहानियाँ बताता हूँ कांवड़ की। मैं अकेला हूँ जी। हाँ जी। सभी भोले अकेले के लिए या ग्रुप बना कर आए हैं? भोले के यहाँ ग्रुप भी है जी, कोई अकेले भी हैं जी। तो इस शिविर की व्यवस्था कैसी लगी? बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी जी। और भी भोले, उनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। यहाँ पर एक भोले ने तो चश्मा पहन लिया है, थोड़ा उनसे बातचीत कर लेते हैं। जय भोले की। जय भोले की। कैसा लग रहा है यहाँ की व्यवस्था? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। क्या क्या मिला खाने को? पूरी सब्जी थी। पूरी सब्जी मिली? बढ़िया थी। बढ़िया थी जी। रहने का आवाज यहाँ सही लगा? हाँ जी। साथ में आए हैं आपके? हाँ जी। क्या लगते हैं? भाई है जी। भाई लगते हैं। तो ग्रुप में आए हैं या अकेले ही आए? ग्रुप में जी। कितना ग्रुप है आपका? 7 में। 7 लोगों का है। तो कब चले थे आप? और रहने वाले कहाँ के? 19 तारीख कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, तो पैदल यात्रा कर रहे हैं। कितने साल हो गए? मैं 2 बार तो डाक कावड़ में आया जी। तो डाक कावड़ और पैदल यात्रा कावड़ में क्या फर्क है, कुछ पता है? हाँ जी। कैसे? डाक कावड़ में रुकना नहीं होता जी। अच्छा। एक ही दिन में पूरे करते हैं हम। अच्छा। मतलब आना एक ही दिन में, आना जाना करते हैं एक ही दिन में हो जाता है? हाँ जी। हाँ जी। एक दिन लंबी यात्रा? एक दिन आना एक दिन जाने का। हाँ जी। हाँ जी। तो आपने पैदल यात्रा की? हाँ जी, इस एक पहली बार यात्रा की है, बहुत मजा आ रहा है। हाँ जी। बढ़िया लगी व्यवस्था? हाँ जी। साउंड वगैरह प्रोग्राम भी है यहाँ पर। कैसा प्रोग्राम है? साउंड वगैरह का बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। नाचते हैं? हाँ जी। अच्छा, सब बढ़िया लग रहा है। हाँ जी। तो आप इतनी बार यात्रा कर चुके हैं, 2 बार कर ली आपने? तीसरी बार कर ली है। तो ऐसा लगा इस बार कुछ नया मिला हो आपको सरकार द्वारा, व्यवस्थाएं शिविर में कुछ? हाँ, ऐसा लगा नया कुछ? हाँ जी। क्या नया? पहले शिविर नहीं थे इतने, अब हर हर जगह पर शिविर होते हैं। इन 3 दिन की यात्रा में क्या अच्छा लगा खाने में? पीछे शिविर में कुल्फी थी जी। कुल्फी थी? कुल्फियाँ, कुल्फी, जलेबी, दूध, सारा कुछ था जी। तो अभी आपने देखा कि छोटे भोले से हमने बातचीत की है, उन्हें भी यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी लगी हैं। और यहाँ और भी लोग आप देख सकते हैं, ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर कांवड़िए किस तरह से इंजॉय करें। किसी ने भोलेनाथ की टी शर्ट पहनी है, तो कोई चश्मा पहने हुए है, और मुस्कुराहट चेहरे पे जो आप देख सकते हैं वो एक बहुत अच्छी मुस्कुराहट है। नारे तो आप लगते आप देख सकते हैं, यहाँ पर भोले के जयकारे लग रहे हैं लगातार। सुनील अनेजा। आपकी संस्था का शिविर का क्या नाम है? श्री राम कावड़ सेवा, बड़ी नहर, अंबाला रोड, सहारनपुर। कब से चल रहा है अपना ये शिविर? ये हमारा 13वां शिविर है।
लगातार 13 साल से आप सेवा दे रहे हैं। हाँ, वैसे तो साल जैसे कि कोरोना रहा, उसके बाद आपको ये मौका मिला तो कैसा लग रहा है? उसके उसको कोरोना को अगर मिला लिया तो वो भी हम लगाते तो ये 15वां साल होता हमारा। 2 साल हमारे बीच में गैप रहे कोरोना की वजह से, कभी कहीं भी नहीं लगे वो। वैसे अच्छा हमें लगा है कि हमें 2 साल बाद मौका मिला है। तो किस प्रकार के आप कांवड़ियों को यहाँ सुविधा दे रहे हैं? हम तो मेडिकल हमारा कैंप लगा है यहाँ पर, बाकी रहना ठहरना खाना पीना शौचालय वगैरह सब कुछ है। तो खाने में जो भोजन का मेन्यू वो चेंज होता रहता है, सेम ही रहता है? डेली हम चेंज कर लेते हैं, एक दिन पहले प्लानिंग करते हैं उसमें कि कल हम क्या दिया जाए। हम सुबह 4 बजे चाय शुरू कर देते हैं बैठी, मतलब उसमें हम कितने लोगों की यहाँ पे विश्राम की व्यवस्था की गई है? अंदर जो पंडाल में है लगभग 300 व्यक्ति सो जाते हैं, बाकी जब रश ज़्यादा हो जाता है तो गैलरी है ना बाहर, तो इसमें भी दरियाँ बिछवा देते हैं, वहाँ भी लोग लेटते हैं, 250-300 उधर भी हो जाते हैं। सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए? सुरक्षा के रात को हमारा स्टाफ अपने जो सदस्य हैं मित्रगण हैं, कैमरा लगाए, कैमरे लगे, 7 कैमरे लगे हर साल लगते हैं। आग बुझाने के लिए सिलेंडर भी है मेरे पास यहाँ पर, कोई दुर्घटना हो जाती है तो। सरकार से किसी प्रकार की आप लोगों को सहायता दी गई है? सहायता दी गई है, ये जो सबमर्सिबल का सिस्टम है पानी का, वो नगर पालिका नगर निगम से हमें मिला हुआ है।